बच्चे मैंने सीट लगाई है बाहर अपना मोटर दे के नीचे, उन बच्चों को उठाओ नीचे फेंका मैंने, अगर भागा भाग नीचे आए मेरे पे वजन पड़ गया था, मैंने लोगों को बुलाया भाग 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 के आओ, तब तक मैं हिम्मत आ चुका था। फिर ये भाई छोटा आया लड़का, एक भाई साहब वो आए, मैंने उनको बुलाया, तब बच्चे जाके निकले। अंकल जी आपने हिम्मत रखी, बच्चों को वक्त रहते निकालो, बहुत बड़ी बात है। हाँ भागे भागे मोटा देखो, तू तेरा मोटा देखो कमीज दे, मेरे हाथ सूज गए सारे, हाथ सूज गए, मतलब हाँ, बहुत मुश्किल से सबको उतारा। छोटे छोटे बच्चे थे, पौड़ी थी छोटी, नीचे से पौड़ी पकड़ के ऊपर से बच्चे उतारे हैं, ऊपर से बच्चे उतारे हैं ऐसे। यहाँ पे पौड़ी रखी है, छोटी थी पौड़ी हाँ। आप देख सकते हैं ये कमरा है, यहाँ पर राशन रखा हुआ है, स्टोव जो है आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और इसी स्टोव पर खाना बन रहा होता है। सिलेंडर जैसे ही बंद करते हैं उसी वक्त आग जो है पकड़नी, आप देख सकते हैं जो वायर्स हैं, वायर से किस तरीके से भी धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। रामनगर आंगनवाड़ी में लग जाती है भीषण आग, इस वक्त आप तस्वीरें वहां आंगनवाड़ी से देख रहे हैं, यहीं पर खाना बना रहे होते हैं, आप देख सकते हैं आपको स्टोव दिखाई दे रहा होगा, यहीं से जो है आग लगनी शुरू होती है। और आप लोगों को दिखा दूं अभी साथ में ही यहाँ पर बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे यहीं पर बैठे हुए थे, गनीमत ये रहती है कि बच्चों को वक्त रहते यहां से निकाल लिया जाता है और किसी को कुछ नहीं हुआ। और अभी भी फिलहाल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पानी यहां पर जो है टाइम से आग को बुझा लिया गया है, मगर सिलेंडर अभी भी फिलहाल बाहर ही रखा हुआ है, और ताकि कुछ और हादसा बड़ा ना हो जाए। सभी लोग घबराए जरूर हुए, गनीमत ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, वो सभी लोग सेफ हैं। आंगनवाड़ी में ये जो आप देख सकते हैं सिलेंडर जो है बाहर रखा गया है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं गीला कपड़ा जो है डाला हुआ है, जो आसपास के लोग हैं सभी यहाँ पर इकट्ठे हो गए, डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुँच जाती है, तो एक बड़ा हादसा ज़रूर हो जाता है, आंगनवाड़ी में आग लग जाती है, किचन में काम करते हुए। फायर ब्रिगेड नहीं आई, फोन किए सब कुछ हुआ है, नहीं आई, आना चाहिए थे ना। फिर ये वोट मांग रहे किस चीज के वोट, हमारे जनता छोटे छोटे बच्चे इतनी मुश्किल से बाहर पौड़ी लगा के उतारे हैं बच्चे, अच्छा। हमें पता है देखो कितना बुरा हाल हुआ है यहाँ पे, अंदर वो छोटे आंगनवाड़ी छोटे बच्चे उनके लिए खाना बना रहे थे, उसी में पता नहीं चला कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये तो हाँ ये नहीं पता चला हमें तो। सभी लोग सेफ हैं अंकल, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, पौड़ी हाथ से पौड़ी थी छोटी, नीचे से पौड़ी पकड़ के ऊपर से बच्चे उतारे हैं, ऊपर से बच्चे उतारे हैं ऐसे, यहाँ पे पौड़ी रखी है छोटी थी पौड़ी ऐसे उतार के जाए। तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ऊपर से जो है सीढ़ी लगा के बच्चों को निकाला जाता है, क्योंकि जहाँ पर खाना बन रहा था उसी के साथ बच्चे बैठे। आप लोग मौके पर मौजूद थे, आप थे आंटी जी, क्या कुछ हुआ था? एकदम सिलेंडर बंद करने लगे हैं, एक नीचे चूल्हे से एकदम आग निकली, वो एकदम ही पकड़ लिया, अच्छा एकदम आग कुछ भी नहीं होता, खाना बन गया, बंद कर दिया, अच्छा सिलेंडर से ही एकदम पता नहीं कैसे लीकेज वगैरह हो रही थी, पहले स्मेल आ रही थी कुछ ऐसे, कुछ भी नहीं, खाना अगर खाना बन रहा स्मेल आनी होती तो स्मेल आती ना खाना बनते टाइम, कुछ भी नहीं ऐसा, हम अंदर ही तो बैठे हैं सारे, एकदम जब एकदम आग हुई तब बच्चों को लेके हम बाहर भाग गए हैं बड़ा बड़ा। तो आग और कहीं बाहर तो नहीं फैली उस कमरे के अलावा? उस कमरे में ही एकदम सब ने सबको शोर मचा दिया ना, सब लोग आ गए, बच्चों को वक्त से रहने, हाँ बच्चे सब, बच्चे सब ठीक है, बच्चों को तो भगाए बच्चे फटाफट, बच्चे 8-10 करीब बच्चे थे, हाँ बच्चों को तो फटाफट बाहर निकाल लिया दोनों ने, पकड़ा बाहर निकाला बच्चों। तो फायर ब्रिगेड नहीं आई? नहीं मैडम अभी तक नहीं आई, दो बार फोन करने के बाद अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आई। डायल 112 पहुंची थी यहाँ पर? हाँ जी वो आई थी। तो अभी फिलहाल सिलेंडर बाहर रख दिया गया? हाँ जी बाहर रख दिया गया, ठीक है, सिलेंडर में कोई कमी नहीं थी, कोई लीकेज नहीं थी, इसको अचानक ही शायद तापमान की वजह से ही हुआ ये, कुछ भी कह सकते हैं, हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, कमरा भी वो छोटा है जैसे, हाँ जी वहीं पर राशन का सामान भी वहीं पर, हाँ जी डेली खाना बनता है, कोई आई तो आज नया तो नहीं बना, कई साल हो गया हमारे को, अचानक से ही बस क्या कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो जो आसपास के भी जो लोग हैं सभी एक घबराए जरूर हुए, क्योंकि मासूम बच्चे छोटे छोटे थे और अचानक से आग लग जाना, और उन्होंने शोर जरूर वक्त रहते मचा दिया, और सभी ने मदद जरूर की, बच्चों को वक्त रहते बाहर जरूर निकाल लिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मासूम छोटे छोटे 8 से 10 बच्चे बताए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है रोजाना खाना बनता है यहीं पर बनता है, लेकिन जब खाना पूरा बन जाता है उसको बंद कर रहे होते हैं सिलेंडर को, उसी वक्त जो है आग पकड़ जाती है, और आग धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है, साथ ही के कमरे में वहीं बच्चे जो हैं बैठे होते हैं, आप देख सकते हैं ये कमरा है, यहाँ पर राशन रखा हुआ है, स्टोव जो है आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और इसी स्टोव पर खाना बन रहा होता है, सिलेंडर जैसे ही बंद करते हैं उसी वक्त आग जो है पकड़नी, आप देख सकते हैं जो वायर्स हैं, वायर से किस तरीके से भी धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, गनीमत ये रहती है कि आग जो है इसी कमरे में रहती है, इससे बाहर तो नहीं निकलती आग, नहीं यही बंद हो गई थी, और भी कोई मौजूद था यहाँ पर? नहीं कोई भी नहीं था, कोई अंदर नहीं था, वो जैसे आग लगी एक लेडी थी अंदर, वो बाहर आ गए, और फिर लोगों ने पानी वानी डाल के बुझा दिया। हालांकि रोजाना आते होंगे बच्चे तो यहाँ।
हाँ हाँ आती है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुए थे ना, खाना वाना बन रहा था। बच्चे आंगनवाड़ी के बच्चे होते हैं ना, वो नीचे बैठे। कह रहे थे कि ऊपर से कुछ सीढ़ी लगा के निकाला गया है, नीचे बैठ बच्चे बैठते हैं। ट्यूशन पढ़ रहे थे छुट्टी करके, सुबह बुला रहे बच्चों को निकाला, सुबह ट्यूशन पढ़ाने के छुट्टी के चक्कर में सुबह पढ़ा रहे थे, उनको फटाफट निकाला है, छोटे बच्चों को वगैरह, बड़े बच्चों को भगाया है यहाँ से, किसी को भी कोई नुकसान ना। खाना आप बना रहे थे? खाना वो बना रहे। अच्छा, तो आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक है ना? आप ठीक है? सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस वही है कि आग लगी तो एकदम सारे घबराए, बच्चों को उठाया, बड़ा बच्चे भागा, आग हो गया, वो बहुत बड़ी बात। यहाँ माता जी बैठे थे, देखो मैंने बच्चे, मैंने सीढ़ी लगाई है बाहर, अपना मोटर दे के नीचे, उन बच्चों को उठाओ नीचे फेंका मैंने, और भाग भाग नीचे आए, मेरे पे वजन पड़ गया था, मैंने लोगों को बुलाया भाग 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 के आओ, तब तक मैं हिम्मत आ चुका था, फिर ये भाई छोटा आया लड़का, एक भाई साहब वो आए, मैंने उनको बुलाया, तब बच्चे जाके निकले। अंकल जी आपने हिम्मत रखी, बच्चों को वक्त रहते निकालो, बहुत बड़ी बात है। हां भागे भागे मोटा देखो, तू तेरा मोटा देखो कमीज पे, मेरे हाथ सूज गए, सारे हाथ सूज गए, मतलब बहुत मुश्किल से सबको उतारा। कितने बच्चे थे ऊपर? कम से कम ज्यादा ही थे, कम से कम 15-20 बच्चे थे, थोड़े जवान थे, अभी भी थे 9-10 तो थे, चार बच्चे, चार पांच तो हैवी थे, बड़ी मुश्किल आए, 15-16 बच्चे होंगे कम से कम, बड़ी मुश्किल बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल अंकल जी ने हिम्मत जरूर दिखाई, जो ऊपर ट्यूशन बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें फटाफट उतारा कि नीचे नहीं, क्योंकि नीचे आग लगी थी तो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया कि यहाँ से आया जाए, उन्हें बाहर सीढ़ियों से निकाला गया है। राजेश अग्गी जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं बातचीत करने के लिए, आप देख सकते हैं सबसे बड़ी डिपार्टमेंट से अभी तक कोई नहीं आया हमारा, हमारी खड़ी है वो अभी आई हुई है, टाइम थोड़े लगता है, अब तो सारा फोन चला गया था, फोन चला गया था उसी वक्त, उसी टाइम फोन किया है, अब इसकी हालत इतनी खराब हो गई, इसको बचाना मुश्किल, इसको बचाना मुश्किल है, अम्मा जी उनको बचाना, कोई नहीं कोई ठीक हुआ भगवान, सबसे पहले बच्चे बचाने जरूरी थे हमारे लिए, सब ठीक है ना बच्चे, पर यहाँ के पड़ोसियों ने जो साथ दिया ना, थैंकफुल है परमात्मा सबको, लंबी उम्र दे, कोई बात नहीं। अग्गी जी शिकायत कर रहे हैं सब लोग कि ये जो है फायर ब्रिगेड नहीं आई मौके रहते, बहुत फोन किए गए, अभी पता लगा मुझे, इतनी गर्मी में सबकी छुट्टियां होती हैं, स्कूलों में पता नहीं कैसे सिलेंडर को, क्या ये बच्चे आज ही ग्रेजुएशन करेंगे, आज ही ग्रेजुएशन करने, छोटे छोटे बच्चे हैं, ढाई ढाई तीन तीन साल के, 3 साल से 5 साल के बच्चे हैं, क्या इनको जरूरत नहीं है छुट्टी की, इनको ठंडे जगह पे रहने की जरूरत नहीं है क्या, सरकार हमारी सुनती नहीं है, एक एक कमरा दे रखा है, किराया मिलता नहीं, किराया हम पल्ले से भर रहे हैं, हमें किराया नहीं मिलता, आज हम किराया मालिकों को ना दें तो हमारा सामान उठा के बाहर फेंका जाएगा, हमारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, अपने घर से हमें किराया भर रहे हैं, साल साल डेढ़ डेढ़ साल का किराया। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पर शिकायत भी एक आ रही है और फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच रहा है, तो 2000 था वो भी 2 साल में, हम अपने पल्ले से सिंगल लेडीज, हम अपने पल्ले से किराया भरते हैं, कोई किराया नहीं आता, बात रखेंगे आप लोगों की, बात नहीं सर, बहुत करवाएंगे, कोई बात नहीं। अंकित जी सेफ्टी के लिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों के सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए यहाँ पर, और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे इसके लिए थोड़ा सा नहीं, नहीं, बात करेंगे अधिकारियों से भी, फायर ब्रिगेड क्यों नहीं टाइम मौके पर पहुंची है समय पे, तो ये बहुत बचाव रहा है, माता रानी की कृपा रही है, सभी बच्चे ठीक हैं, ये भी सभी ठीक हैं, क्योंकि यहाँ जो आसपास के पड़ोसियों ने बहुत हिम्मत दिखाई, उन्होंने इतनी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा प्रयास किया, उन्होंने घरों से पानी ले लेके बुझा, आग भी बुझा दी, कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, बहुत बचाव रहा है, बच्चे भी बिल्कुल ठीक है, स्टाफ भी बिल्कुल ठीक है, चलो यही माता रानी से प्रार्थना है, ठीक रहा, लेकिन जो इसमें शिकायतें आई हैं उसके ऊपर भी एक बार संज्ञान में लेके उसके ऊपर भी कल चुनाव है परसों से, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जिसकी जो गलती होगी, और इनकी भी बहनों की भी जो समस्या है उसके लिए भी बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो भी किराए वाला जो भी इनका मैटर है उसको भी सॉल्व कराया जाए, हम खुली जगह लें, करवाएंगे ताकि हमारे बच्चे भी सेफ हो, हम भी सेफ हों, एक कमरा एक रसोई धक्के से ले रहे हैं, यहां पर एक वो फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए, जैसे आग लगी थी फटाफट उसको आग को उठा लिया जाता है, तो हालांकि बचाव जरूर यहाँ पर रहा। अग्गी जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी जी, और उन्होंने कहा है जरूर बात आगे तक जरूर रखी जाएगी, जो किराए की बात कही जा रही है, जो सिंगल लेडीज हैं वो यहाँ पर किराया खुद भरती हैं, या ही फिर सेफ्टी के मेजरमेंट की बात की जाए, या जो फायर ब्रिगेड मौके से नहीं पहुंचते वो शिकायत जरूर, यहाँ पर एक पड़ोसियों ने एक बहुत मदद की है, आ चुके हैं फायर ब्रिगेड, आ चुके हैं सर वो लोग, तो एक पड़ोसियों ने बहुत दिलदारी का जो है जरूर अपना दिखाया है, परिचय दिखाते हुए कि
मदद जरूर यहाँ पर, फायर ब्रिगेड फिलहाल जरूर बताया जा रहा है, मौके पर अब जरूर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं अंदर जाकर जो है अभी भी पूरा चेक किया जा रहा है। आप फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आप देख सकते हैं फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं, और अभी भी क्योंकि अभी मैंने आपको पहले दिखाया था कि धुआं जरूर अभी भी उठ रहा है यहाँ से, तो वो अपना अब कार्य करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। गनीमत ये रहती है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सभी लोग सेफ हैं, और ऊपर जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं पड़ोसियों ने जो मदद की है और जो किस तरीके से उन्होंने अपने कंधे पे बिठाकर बच्चों को नीचे उतारा है वो बहुत बड़ी बात है। वो दिलदारी जो दिखाई है पड़ोसियों ने जो मदद की है, तो उनको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ एक सैल्यूट जरूर करना चाहेगा। एक बड़ा हादसा होते होते बचा है आज रामनगर की आंगनवाड़ी में, जहाँ पर राशन के कमरे में खाना बना रहे होते हैं और साथ में बच्चे होते हैं, वहीं पर जब सिलेंडर बंद कर रहे होते हैं तो आग पकड़ जाती है। फटाफट बच्चों को बाहर निकाला जाता है, ऊपर ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं बच्चे, उनको बाहर निकाला जाता है। गनीमत ये रहती है कि सभी लोग सेफ हैं। और एक अपील भी यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं, एक मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगी जो जितने भी लोग हैं, आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर की वजह से भी ऐसा शॉर्ट सर्किट जो आग लग जाना, तो फायर एक्सटिंग्विशर होना भी, सेफ्टी मेजरमेंट्स का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी। राजेश अग्गी जी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कहा है जो भी शिकायतें आ रही हैं उनको ज़रूर संज्ञान में लिया जाएगा और इनको सोल्व किया जाए। गनीमत ये रहती है कि सभी बच्चे सेव हैं। तस्वीरें इस वक्त आप रामनगर से देख रहे हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ।